हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र। आज देखिए, मेरे पास एक कैनन का इमेज रनर 2202N मॉडल है दोस्त। इसके अंदर यूजर क्या किया है दोस्त, दूसरा टोनर डाल दिया। अभी देखिए, ये इस तरीका से ओपन होता है, ये थोड़ा सा लॉक है। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से इस होल से इसमें दूसरा कंपनी का टोनर डाल दिया, जिसमें क्या है दोस्त, इसका ड्रम यूनिट वगैरह सब अच्छा है, फिर भी ब्लैक पेज मारता है। तो कभी अगर आपके पास भी ऐसा मशीन आता है, और अगर आप पूरा ड्रम वगैरह सब कुछ साफ़ करते हैं फिर भी ब्लैक आता है, तो पक्का एक बार टोनर को चेंज करें। तो टोनर देखें, मैं ये कैनन का ओरिजिनल टोनर मंगाया हूँ दोस्त, ये देखें। लेकिन ये हम अभी इसमें नहीं डालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका किलिंग करना पड़ेगा। किस तरीका से इसका क्लीनिंग करेंगे, इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले देखें दोस्त, ये इसी को निकालें। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है, ये देखिए लॉक का सिंबल है, ये अनलॉक है, इसको अनलॉक कीजिए। पहले इसको प्रेस कीजिए, ऐसे नहीं खींचना है, तो इसको प्रेस करना है यहाँ पर। देखें, अगर प्रेस करके नहीं करेंगे तो थोड़ा टाइट जाएगा। उसके बाद ये देखें, और कोशिश रहे इसको इसी शेप में रखें, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से टोनर आपका गिर सकता है। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर रखता हूँ, ये जगह ठीक है। उसके बाद क्या करें दोस्त, ये हमारा ये ड्रम यूनिट है, यहाँ से इसको प्रेस करें, फिक्सिंग यूनिट फ्रीजर यूनिट की तरफ ये ओपन हो जाएगा। ये देखें, इसका कोई एक ये व्हील है, मैं देखता हूँ बाद में कहाँ से ये ओपन हुआ है। उसके बाद इसको खोलें, इसको खोलने के बाद ये आसानी से हमारा यूनिट बाहर आ जाएगा। ये देखें, ये लॉक को इधर करें, ये इधर है ना, इसको करें। अभी देखें, इसको हम ड्रम यूनिट बोलते हैं दोस्त, ये मार्केट में नया भी आता है। ये देखें, आप देख सकते होंगे, ये पूरा ड्रम के ऊपर पूरा काला काला फेज आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन जो इम्पोर्टेंट है दोस्त, वो क्या करेंगे, आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। अभी फ़िलहाल क्या है दोस्त, मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ। लेकिन इतना याद रखें, मैं हमेशा से जेन्युइन ओरिजिनल वीडियो बनाता हूँ। जैसा मैं बताऊँगा, अगर आप वैसा करते हैं तो आपका मशीन 101% ठीक होगा। अभी देखें, यहाँ पे एक नट है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या ये लीवर हमारा बाहर आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ दोस्त, आप खाली वीडियो में बने रहें, एक एक स्टेप बताएंगे आपको। कभी भी अगर कोई यूजर क्या करेगा, दूसरा टोनर डाल देगा दोस्त, तो अगर आप टोनर चेंज करेंगे तो प्रिंटर से ही नहीं चलेगा। देखें, ये लीवर ओपन हो गया। लीवर ओपन होने के बाद क्या करना है दोस्त, ये वाला जो ये देखें, ये वाली जो यूनिट है, ये हमको निकालना है। ये किस तरीका से, आपके पास कोई देखे ऐसा वाला, ये पे लॉक है दोस्त, एक लॉक यहाँ पे है, ये सारे प्रेस फिटेड है। ये देखें, ये हमारा बाहर आ जाएगा। ये निकलने के बाद क्या करेंगे, अब हमारा ये पूरा, इसको बोलते हैं हॉपर, कोई डेवलपर यूनिट बोलता है दोस्त। ये देखें, इसमें क्या होता है, इसी में आके हमारा क्या है, पहले टोनर गिरता है दोस्त, उसके बाद इसी से हमारा क्या है, ओपीसी ड्रम यूनिट के ऊपर टोनर जाता है। तो अगर कोई दूसरा इंक अगर इसमें कोई गलती से डाल दिया होगा, देखिए मैं इसको आपको पूरा जूम करके दिखाता हूँ, अब इस यूनिट पे ही, इसी यूनिट में प्रॉब्लम है दोस्त। अगर कोई भी गलती से अगर आप इसमें अगर टोनर कोई मतलब दूसरा कंपनी का डाल देता है दोस्त, तो आपको क्या इतना प्रक्रिया करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, आपका ये यूनिट रिपेयर नहीं हो सकता। अभी देखिए फ़िलहाल क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरे नट को ओपन करें। ये तब करना है दोस्त जब देखें आपकी ये यूनिट अच्छी हो, ठीक है, आपने इसमें बेस्ट इंक सब कुछ निकाल दिया, फिर से वापस से ही काला काला कर रहा है, जैसे इसका किया हमने बेस्ट साफ कर दिया, फिर से ये ब्लैक कर रहा है, ठीक है। ये ड्रम सही है दोस्त, ब्लेड वगैरह सब कुछ सही है, फिर भी अगर काला करे तो आप समझ जाना, यूजर से पूछना है कि आप कहीं गलती से, कोई कोई क्या करता है दोस्त, गलती से या हड़बड़ी के चक्कर में दूसरा कंपनी का इंक डाल देता है। कैनन है दोस्त, तो इसमें कैनन का ही कोशिश करें इंक डाले, अगर आप दूसरा कंपनी का डालिएगा तो क्या है, ये चलेगा नहीं। तो वही है, अभी फ़िलहाल मैं देखता हूँ, जितने इसमें स्क्रू है पहले मैं उसको बाहर करता हूँ, अब वीडियो में बने रहे मैं बताता हूँ। करना कुछ नहीं दोस्त, इस यूनिट को ढंग से क्लीन करना है, क्लीन करके वापस से लगाना है, क्योंकि जो इसमें दूसरा टोनर गलत टोनर चला गया है, जब तक उसको अगर आप साफ नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, ऊपर से अगर आप नया अच्छा टोनर भी लगाइएगा तो गिरना तो इसी हॉपर में है,
तो वापस से फिर से ये मशीन आपका क्या है, ये देखिए इस पर कितना स्पॉट है इस मैग्नेटिक रोलर के ऊपर। जब तक ये स्पॉट ठीक नहीं होगा दोस्त, ये मशीन आपका ठीक नहीं हो सकता है। देखिए इसको हम यहाँ से निकालने का कोशिश करते हैं। ये देखें, अगर ये ना निकले तो ये भी खोल लेंगे। कभी भी इसमें एक बात का खास ध्यान रखना है दोस्त, हड़बड़ी नहीं करना है। अगर इन केस ऑफ हम वहाँ निकाल रहे हैं नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है कि या तो कहीं स्क्रू लगा हुआ है या हमको खोलने का सही तरीका पता नहीं है। अब फिर से हम वापस इसको खोलते हैं। अभी देखें अभी भी खुलने में दिक्कत कर रहा है, तो अभी भी हम इसको नहीं खोलेंगे, पहले हम ये ब्लेड निकाल लेते हैं। इसको पहले मैं पूरा क्लीन करता हूँ, फिर क्लीन करने के बाद मैं आपको, पहले मैं आप ओपन करने का आपको वीडियो दिखा देता हूँ किस तरीका से इसको ओपन करना है, उसके बाद फिर मैं आपको क्लीन करके बताऊंगा दोस्त। आप वीडियो में बने रहें। ये देखिए दोस्त, ये हमारा निकल गया। अभी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको पूरे को क्लीन करना है। ये देख सकते होंगे आप, ये जितने पूरा टोनर वगैरह गिरा हुआ, इसको मैं साफ़ करूँगा। साफ़ करके फिर मैं आपको